लियोनार्डो दा विंची का जन्म 1452 ईस्वी में इटली के विंसी नामक शहर में हुआ था। लियोनार्डो दा विंची बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। वह एक कलाकार होने के साथ साथ कवि, दार्शनिक, वास्तुकार, संगीतकार, वैज्ञानिक एवं इंजीनियर थे। इनको न केवल एक कलाकार ही वरन संपूर्ण विश्व की एक महान विभूति के रूप में जाना जाता है। ये एक अनुसंधानशील कलाकार थे जिन्होंने शरीर में रक्त परिभ्रमण, युद्ध में काम आने वाली शस्त्र गाड़ी, अनेक प्रकार के वायुयानों, हेलीकॉप्टर व पनडुब्बी की कल्पना पर हजारों रेखाचित्र बनाए। ये एक वैज्ञानिक विश्लेषण करने के पश्चात ही चित्रण करते थे। वह धर्म में विश्वास नहीं करते थे, फिर भी इन्होंने धर्म से संबंधित काफ़ी चित्र बनाए। उन्होंने कलाकार को न्याय, सत्य तथा अन्य सामाजिक मूल्यों की प्रतिष्ठा करने वाला माना था। लियोनार्डो दा विंची फ्लोरेंस के एक वकील के अवैध पुत्र थे। उनका जन्म विंची में हुआ। आरंभ से उन्होंने वेरेचियो से कला की शिक्षा प्राप्त की। वेरेचियो प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प दोनतेलो का शिष्य था। कहा जाता है कि जब लियोनार्डो ने उसके साथ बपतिस्मा की एक चित्र में बाईं ओर का देवदूत चित्रित किया तो वेरेचियो ने चित्रांकन करना ही छोड़ दिया। 1476 तक वह वेरेचियो के साथ रहे। इसके पूर्व 1472 में ही वह चित्रकारों के संघ के सदस्य बन चुके थे और 1473 में एक दृश्य चित्र बना चुके थे। इस दृश्य चित्र से पृथ्वी की रचना में उनकी रुचि का पता चलता है। वस्त्रों की सिकुड़नों को नवीन ढंग से प्रस्तुत करने के संबंध में भी उन्होंने अनेक प्रयोग किए। म्यूनिक के मेडोना चित्र में उन्होंने तेल चित्रण तकनीक का नवीन प्रयोग किया है। इसमें दानादार धरातल के पात्र पर ऊस की बूंद अंकित किए, जिन्होंने उनके समकालीन कलाकारों को आश्चर्य में डाल दिया था। 1474 में उन्होंने एक व्यक्ति चित्र अंकित किया जिसमें हाथ भी दर्शाए गए थे। वेरेचियो भी हाथों में फूल लिए एक महिला का इसी प्रकार का चित्र बना चुका था और इसी परंपरा में लियोनार्डो ने आगे चलकर मोनालिसा नामक विश्व प्रसिद्ध चित्र अंकित किया। लियोनार्डो ने केवल फ्लोरेंस में ही अपनी कला कौशल का प्रदर्शन नहीं किया बल्कि अन्य नगरों में भी किया। 17 वर्षों तक 1482 से 99 तक मिलान नगर में सेवारत रहे। इसी अवधि में उनकी प्रारंभिक रचनाओं का सृजन हुआ। म्यूनिक में सुरक्षित वर्जिन एंड चाइल्ड लियोनार्डो की सुविख्यात प्रारंभिक कृतियों में है। हालांकि कुछ कला मर्मज्ञ इस चित्र को विवादास्पद मानते हैं। एडोरेशन ऑफ माजी कृति इटली के यूफिसी नगर में है। जिनरवा देई बेंची का व्यक्ति चित्र और अनसिएशन भी प्रारंभिक रचनाएं हैं। मिलान नगर में के आवास काल में लियोनार्डो ने सैनिक और नौसैनिक इंजीनियर के रूप में वहां के शाही परिवार की सेवा की। बाद में क्रमशः उसी चित्रकार और मूर्तिकार के रूप में भी कार्य किया। यहीं पर उसने लेडी विद एन एरमेन नामक चित्र निरूपित किया। इसी नगर में लियोनार्डो ने गिरजे के ऑल्टरपीस वेदी पर द वर्जिन ऑफ द रॉक्स अनुरंजित किया।
लियोनार्डो दा विंची की प्रथम उत्कृष्ट कलाकृति थी लास्ट सपर, जिसे उसने 1490 में सांता मारिया डेला ग्रेजी में निरूपित किया था। यह कृति विश्वविख्यात है और हाई रेनासा की वसारी के अनुसार प्रथम श्रेष्ठ रचना है। एक विशेषता और भी थी इस चित्र में। इस चित्र को निरूपित करने के लिए लियोनार्डो ने भित्ति पर तेल माध्यम से चित्रण किया था, किंतु दीवार गीली होने के कारण उसकी यह विश्वविख्यात रचना अंशतः खराब भी हो गई थी। हालांकि बाद में सुधार का प्रयास किया गया, किंतु उसकी मौलिक शालीनता उन्हें लौट ना सकी। बाद में रही सही कसर भी पूरी हो गई। इसी दीवार पर एक दरवाज़ा लगाया गया और अंत में नेपोलियन के सैनिक ईसा और संतों की आकृतियों को अपनी गोली का निशाना बनाकर अपने हाथ साफ करते रहे। बाद में किए गए जीर्णोद्धार के सतत प्रयास भी सर्वथा असफल रहे। मौलिकता को लौटाने के स्थान पर उत्तरोत्तर चित्र विकृत होता गया। इस महान कृति की विशेषता पृष्ठभूमि में दर्शाए गए दरवाजों धनियों के माध्यम से गहराई का भ्रम है। क्राइस्ट मध्य में मेज के सम्मुख बैठे हैं। उनके दोनों ओर बैठे 12 संतों में कोलाहल मचा हुआ है, क्योंकि ईसा ने कह दिया है, तुम में से एक मुझे धोखा देगा, और वे गंभीर मुद्रा में प्रशांत हैं। संतगण विस्मय से एक दूसरे की ओर परस्पर घूर रहे हैं। उनकी भावभंगिमा में लियोनार्डो ने वह अभिव्यक्ति भर दी है जो ऐसे तनाव की क्षणों में बिल्कुल स्वाभाविक प्रतीत होती है। इटालियन कला मर्मज्ञ हेनरिक उल्फिन ने इस महान चित्र को रैफेल की सिस्टिन मैडोना के बाद इटालियन कला की सबसे अधिक लोकप्रिय कृति कहा गया है। लास्ट सपर के उपरांत लियोनार्डो का सबसे अधिक महत्वपूर्ण चित्र है मोनालिसा। यह विश्व का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति चित्र कहलाता है। सर विलियम ऑर्पन के अनुसार यह चित्र न केवल मोनालिसा के रूप की अभिव्यक्ति मात्र है, बल्कि नारी जाति की वह रहस्यमय पहली है जिसे आज तक बुझा ना जा सका। मोनालिसा का यह चित्र आज पेरिस के विश्वविख्यात लूर संग्रहालय में सुरक्षित है। वह फ्लोरेंस नगर के एक अधिकारी फ्रांसेस्को बार्थो टोमियो डेल जियोकोंडा की तीसरी पत्नी थी। उनके बच्चे नहीं होते थे और मर जाते थे, अतः वे उदास और शोक संतप्त रहती थी। वसारी के अनुसार लियोनार्डो ने उनके मुख मंडल की स्वाभाविक रूप प्रति करने के लिए संगीतकारों को नियुक्त किया था, ताकि उनके चेहरे पर संगीत की मधुर ध्वनि से अंतरम भाव प्रस्फुटित हो सकें। ऑर्पन ने इस चित्र की प्रसिद्धि में समीक्षा करते हुए लिखा है कि न केवल यह चित्र लियोनार्डो की रेखांकन शक्ति का परिचय देता है, बल्कि नारी की चरित्र की अद्भुत पकड़ को प्रदर्शित करता है। संभवतः इसी कारण यह चित्र यत्र तत्र सर्वत्र चर्चा का विषय रहा है। उसकी रहस्यमय मुस्कान वस्तुतः अनोखी है। ऑर्पन ने उसके दाहिने हाथ को मोस्ट परफेक्ट हैंड एवर पेंटेड कहा है। कुछ कला मर्मज्ञ के अनुसार चित्र में मोनालिसा मुस्कुरा नहीं रही है, बल्कि ऊपरी होठ की सूक्ष्म छाया पड़ने से ऐसा भ्रम प्रतीत होता है। यह बहुमूल्य चित्र 1505 के आसपास चित्रित किया था और 1911 में लूर संग्रहालय से चोरी हो गया था, किंतु बाद में वह पुनः प्राप्त हो गया और आज तक वहीं सुरक्षित है। चित्र की पृष्ठभूमि में
प्राकृतिक दृश्य दर्शाया गया है। लियोनार्डो को ने मोनालिसा को छज्जे में बिठाकर उसका चित्र बनाया था। संभवतः उसी बाहरी प्राकृतिक दृश्य को भी यथावत चित्रित किया है। लियोनार्डो ने मोनालिसा के चित्र को अंतिम स्वरूप 1505 के आसपास प्रदान किया। इस चित्र को बाद में फ्रांस के राजा फ्रांसिस प्रथम ने 4000 स्वर्ण मुद्राओं में खरीदा था। तभी से वह लूअर संग्रहालय की अमूल्य निधि बनी हुई है। 1506 में लियोनार्डो मिलान लौट आया और इस समय फ्रांसीसी आधिपत्य में था। तत्पश्चात वह रोम गया और फिर फ्रांसिस प्रथम के निमंत्रण पर फ्रांस और वहाँ पर शाही राज प्रसादों के समीप ही कलाकृतियाँ मृत्यु पर्यंत 1519 तक निरूपित करता रहा। लियोनार्डो की अंतिम चित्रकृति थी सेंट जॉन द बैप्टिस्ट। यह चित्र भी लूअर संग्रहालय में सुरक्षित है। इटालियन कला के विकास में ही नहीं बल्कि विश्व कला के इतिहास में लियोनार्डो का योगदान अभूतपूर्व था। वे बहुमुखी प्रतिभा संपन्न महान कलाकार और वैज्ञानिक थे। चित्रकला के क्षेत्र में उनकी ये उपलब्धियां विशिष्ट थी। रूपकारों का अत्यंत प्रभावकारी रेखांकन, छाया प्रकाश का कठोर तीखापन, प्रकाशित मुखमंडल, श्यामल आभाओं से आच्छादित अन्य भाग, चरित्र की पकड़, स्वाभाविक सूक्ष्मतम विवरण, इन विशेषताओं ने उन्हें हाई रेनासा का प्रथम कलाकार बनाया था। लियोनार्डो की कल्पना शक्ति अत्यंत विलक्षण थी। उनकी टिप्पणियों से भरी नोटबुक आज तक सुरक्षित है, जिसमें हजारों रेखाचित्र हैं जो उनके सच्चे व्यक्तित्व एवं मौलिक सृजनात्मक प्रतिभा का परिचय देते हैं। उनकी वैज्ञानिक अंतरात्मा को प्रदर्शित करते हैं। वे सचमुच महान आविष्कारक थे। वायुयान और हेलीकॉप्टर के प्रारूपों को उन्होंने पहले से ही सोच विचार लिया था। उनके ड्राइंग्स आज तक सुरक्षित हैं। उनका दृष्टिकोण वस्तुतः आधुनिक था। उन्होंने वनस्पति विज्ञान संबंधी रेखाचित्रों को पूर्णतः वैज्ञानिक ढंग से बनाया था। उपरोक्त बैटल ऑफ अंधियारी चित्र में घोड़े और सवारों की आकृतियाँ इतनी सुंदर हैं कि बिल्कुल सजीव जीती जाती प्रतीत होती है। इस संदर्भ में लियोनार्डो का आत्मचित्र उल्लेखनीय है, जिसे उसने केवल गेरू से खींचा था। उनके चित्र तो सचमुच ही उनकी अगाध मौलिक सूझबूझ के परिचायक हैं और बाद के कलाकारों के प्रेरणा सूत्र रहे हैं। लियोनार्डो के छाया प्रकाश के उत्तम सामंजस्य से बाद के चित्रकारों, विशेषकर कैराविजो और जियोर्जियन को विशेष प्रेरणा मिली। लियोनार्डो का शरीर भी बलिष्ठ था और रूप अत्यंत मनोहर। उनका उन्नत ललाट उनकी प्रतिभा को स्वतः प्रकाशित करता था, किंतु लियोनार्डो के अधिक अनुयायी न थे। यद्यपि सभी ने उनसे कुछ ना कुछ अवश्य सीखा। उनके हाथों में कला विज्ञान और विज्ञान कला बनी। रेनासा की भावना यदि किसी चित्रकार में पूर्णतः साकार हुई है तो वह केवल लियोनार्डो के व्यक्तित्व और कृतित्व में ही। निस्संदेह लियोनार्डो का प्रभाव उनके महान समकालीन शिल्पी माइकल एंजेलो के उभरते व्यक्तित्व के कारण धूमिल पड़ गया। यद्यपि तुलनात्मक दृष्टि से उनकी प्रतिमा माइकल एंजेलो से अधिक बहुमुखी थी।